In this video, we are going to learn addition of decimals. First problem देखिए 1.354 plus 1.246. 1.354 decimal point के नीचे decimal point डाल दीजिए. Decimal point के बाद में कितने digits हैं? 3 digits लिख लीजिए. 2, 4, 6. Decimal point के पहले कितने digits हैं? 1 digit है, लिख लीजिए. अब जैसे सिंपली होल नंबर्स को ऐड करते हैं ना, वैसे ही ऐड कर लीजिएगा. 6 प्लस 4 10, 1 इज रिमेनिंग. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 1 रिमेनिंग. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6. डेसिमल पॉइंट डालिए 1 प्लस 1 2. और फाइनल आंसर 2.600. सेकेंड प्रॉब्लम देख लीजिए 9.76 प्लस 5.087. लिख लीजिए 9.76. डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट डाल लीजिए. डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स, लिख लीजिए 0, 8, 7. डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, 5, लिख लीजिए. अब सिंपली ऐड कर लीजिए. इधर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है. डैट मीन्स दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको भी 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करेंगे? सिंपली आपको 0 को ऐड करना होगा. अब जैसे होल नंबर्स को ऐड करते हैं ना, वैसे ही राइट साइड से ऐड करते जाइए. 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 6 14, 1 इज रिमेनिंग. 7 प्लस 1 8 0, 9 प्लस 5 14. और फाइनल आंसर इज 14.847. थर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए 5.637 प्लस 8.56. 5.637 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट डाल लीजिए. डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है, 5, 6. डेसिमल पॉइंट से पहले 1 डिजिट से 8, लिख लीजिए. अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट से, यहाँ 2 डिजिट से, इसको भी मुझे 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप सिंपली 0 को ऐड कर लीजिए. अब सिंपली ऐड कर लीजिए 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी. डेसिमल पॉइंट डालिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14. और फाइनल आंसर 14.197. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम देखिए 25 प्लस 0 7 5. 25 इज द होल नंबर, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए आप नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट डाल सकते हैं 0. अब ये 0.75 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए. डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट से 7 5, डेसिमल पॉइंट से पहले 1 डिजिट 0. यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यहाँ 1 है, इसको भी 2 मिलाना होगा तो सिंपली 0 को ऐड कर लीजिए. जैसे होल नंबर ऐड करते हैं ना, वैसे ही ऐड कर लीजिए. 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 7 7. डेसिमल पॉइंट डालिए 5 प्लस 0 5 2. और फाइनल आंसर 25.75. नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम देख लीजिए 32.89 प्लस 6.715. 32.89 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख लीजिए. डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, लिख लीजिए 715. डेसिमल पॉइंट से पहले 1 डिजिट्स, लिख लीजिए. अब देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स, यहाँ 3 डिजिट्स, मुझे इसे 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली 0 को ऐड करना होगा. अब जैसे होल नंबर को ऐड करते हैं ना, वैसे ही सिंपली ऐड करते जाइएगा. 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 1 10, 1 इज रिमेनिंग. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 1 इज रिमेनिंग. 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 3 है जैसा ही लिखिए. डेसिमल पॉइंट डालिए. फाइनल आंसर 39.605.